अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बना रहे हैं टिक्का मैक्रोनी घर पे। तो हम लोग मैक्रोनी को बॉईल कर रहे हैं और साथ साथ मैं आपको सारा प्रोसेस शेयर करती हूँ। अब ये देखें, मेरी मैक्रोनी मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। इसको हम 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। हमने मैक्रोनी का सामान सारा रेडी कर लिया है। हमने एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, हमने हाफ शिमला मिर्च ली है और ये हमने ली है बंद गोभी और धनिया। जब हम डालते हैं तो धनिया बहुत अच्छा टेस्ट देता है मैक्रोनी के अंदर। तो आए अपना फर्दर प्रोसेस आपको बना के दिखाते हैं। मैक्रोनी हमारी बॉयल हो चुकी है और अब हम रेडी हैं अपनी मैक्रोनी को बनाने के लिए। डालेंगे 2 चम्मच, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डाल लें, मैंने अपने हिसाब से डाला है जैसे आप लोगों को सही लगे। प्याज ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। देन इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है इसमें। अब इसमें हम टमाटर को ऐड कर रहे हैं। टिक्का मसाला ऐड करने लगे हैं। टिक्का मसाला ऐड करेंगे इसमें हम। सारा टिक्का मसाला ऐड कर दिया जो हमारे पैकेट आता है मैक्रोनी का, उसमें जो आता है अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो इसमें ना हम लोगों को थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा ताकि ग्रेवी बन जाए और फिर इसका जो मसाला था वो उस ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छी हमारी मैक्रोनी बनने वाली है। अब हमने इसकी फ्लेम को तेज़ कर दिया है ताकि मसाला अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए।
जी हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बड़ी प्यारी सी बनी है। ठीक है, तो इसमें अब हमने ऐड करनी है बंद गोभी जो हमने काट के रखी थी। ये माय फेवरेट, ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छी लग रही है मुझे मैक्रोनी, दिल कर रहा है खा लूँ। अच्छा जी, तो अब इसमें ना हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये बहुत अच्छी होती है बंद गोभी मैक्रोन में, तो बड़ी प्यारी लगती है। ग्रेवी के अंदर बंद गोभी को मिक्स कर लिया है। ठीक है, ये अच्छी सी ग्रेवी में मिक्स हो गई बंद गोभी, कितनी प्यारा ये लुक दे रही है। और अब हम देन अब शिमला मिर्च को ऐड करेंगे इसके अंदर, और फिर उसके बाद हमने मैक्रोनी का ऐड कर देना है, फिर हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये हमने शिमला मिर्च को ऐड कर दिया। गाइस हम लोग मैक्रोनी को अब ऐड करने लगे हैं। ठीक है, ओहो वाओ, अब हम मैक्रोनी को ऐड कर चुके हैं, इसमें हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखने में तो बड़ी मज़े की लग रही है, इतनी प्यारी है यार ये मैक्रोनी, वाओ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम गार्निशिंग के लिए इस पर थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा लीमू वगैरह आता वो भी ऐड करेंगे। वाओ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। एंड देन हम इसमें लीमू भी ऐड करते हैं, फिर इसको हम दम पे रख देंगे, और फिर मैं आपको बताती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो गाइस हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ठीक है, बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत मज़ा आएगा अब जब हम खाएँगे।